देखिए बॉलीवुड प्लस रीमेक इज इक्वल टू करियर सेव। क्या बोला तूने? मुझे पता है मेरी बात सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच में पड़ गए होंगे और कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को नहीं समझाए तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। देखिए रीमेक की जब भी बात आती है तो बॉलीवुड हमेशा आगे आ जाते हैं। कहाँ गया यार मैं? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। क्योंकि बॉलीवुड ने जितने रीमेक बनाए हैं शायद उतना ही किसी और ने बनाए होंगे, और किसी रीमेक को अगर अच्छी तरीके से बनाया जाए बिना उसकी स्टोरी के साथ छेड़छाड़ किए तो मूवी सुपरहिट हो ही जाती है। सुपरहिट नहीं तो हिट तो हो ही जाती है। और जैसे कि मिसाल के तौर पे आप कबीर सिंह ले लीजिए और गजनी ले लीजिए, वांटेड ले लीजिए, सिंघम ले लीजिए, और इन फिल्मों में से कुछ ने एक्टर्स का करियर भी रिवाइव किया है। जैसे वांटेड, वांटेड मूवी ने सल्लू भाई का करियर रिवाइव किया था, सिंघम मूवी ने अजय देवगन का करियर रिवाइव किया था। कुछ फिल्में ऐसी होती है, कुछ रीमेक्स ऐसी होती है जो ओरिजिनल वाली से भी बेहतरीन होती है। जैसे कि उसका एकदम करीबी एग्जांपल ले तो अभी अजय देवगन की मूवी थी दृश्यम 2, जो कि ओरिजिनल वाली से भी ज़्यादा हिट हुई और ओरिजिनल वाली से भी अच्छी, मतलब उस चीज़ों को कट करके उसको एकदम फास्ट पेस बनाया था मूवी को, तो ओरिजिनल वाली से भी अच्छी वो मूवी लगी थी और ओरिजिनल वाली मूवी सिर्फ सुपर हिट हुई थी। अरे अजय देवगन की मूवी ने दुनिया भर से 350 करोड़ कमाए के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गए, मतलब ओरिजिनल वाली से भी ज़्यादा पैसा कमाया। देखिए आज हम रीमेक की बात इसलिए इतना ज़्यादा करें क्योंकि मार्केट में एक और रीमेक मूवी आई है वेट नाम से। हालांकि ये एक मराठी मूवी है, मराठी इंडस्ट्री की मूवी है, बॉलीवुड की नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर जो हीरो है रितेश देशमुख वो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनकी अब मराठी में एक वेट नाम की मूवी आई है जो कि तेलुगु मूवी मजली का रीमेक है। समानता प्रभु वाली एक मजली मूवी थी, तेलुगु मूवी, उसका रीमेक है। और मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो अगर किसी ने ओरिजिनल वाली मूवी देखी है तो उन्हें ये पिक्चर ठीक ठाक लग सकती है या फिर हो सकता है कि अच्छी नहीं लग सकती ये मूवी, और जिन्होंने ओरिजिनल नहीं देखी है तो उन्हें मूवी पसंद आ सकती है या उन्हें भी अच्छी लग सकती है मूवी। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन भी नहीं है, उन्हें भी ठीक ठाक या फिर एक वन टाइम वॉच मूवी लग सकती है। मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी एकदम सिंपल है कि हीरो किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है, वो लड़की भी उससे प्यार करती है, मगर हीरोइन जो वो हीरो से प्यार करती है। और जब वो दूसरी लड़की के बाप को पता चलता है कि मेरी बेटी और वो हीरो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो अपनी बेटी की शादी किसी और लड़के के साथ करवा देता है, जिसकी वजह से हीरो डिप्रेशन में चले जाता है और मतलब अजीब अजीब हरकतें, मतलब दारू सिगरेट ये सारी, मतलब शॉर्ट में अगर कहूँ तो कबीर सिंह 2.0 बन जाता है वो हीरो। और यही सिंपल स्टोरी, इसके आगे अगर कुछ बताऊंगा तो वो आप लोगों के स्पॉइलर हो जाएगा। और मूवी की एक्टिंग की बात की जाए तो रितेश देशमुख की एक्टिंग कभी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और उसके ही उलट जेनेलिया देशमुख उनकी वाइफ वो इस मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल कर रही है, तो उनकी एक्टिंग मुझे थोड़ी फीकी फीकी लगी, इतनी भी अच्छी नहीं है, फिर भी एक मतलब इग्नोर करने जैसी एक्टिंग, उनकी एक्टिंग पर ध्यान देना। और मूवी की म्यूज़िक की बात की जाए तो अजय अतुल तो मेरे फेवरेट है। इस मूवी के गाने जब थिएटर में बजते हैं तो मतलब एक तो खास तौर से वाला गाना वेट लॉस, जिसके अंदर सलमान खान भी आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो, मगर वो अगर वो थिएटर में बजता है तो एकदम फील दे देता है। और मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात की जाए मूवी के डायरेक्शन की तो इस मूवी के जो हीरो है रितेश देशमुख, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। जी हाँ, ये उनकी पहली डायरेक्टर डेब्यू मूवी है और पहली मूवी है तो उस हिसाब से बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है उन्होंने, बहुत ही मतलब वो स्टोरी को पकड़ के रखा है, ज़्यादा भी ज़्यादा मतलब मूवी को बोर होने नहीं दिया और उनका डायरेक्शन ठीक ठाक है। ओवरऑल देखा जाए तो मूवी एक वन टाइम वॉच है, अगर आप लोगों ने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है तो आप लोग ये मूवी देख सकते हो, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ अडल्ट या कुछ बुरा सीन नहीं है तो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। और अगर आप लोगों के पास टाइम और पैसा है तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ जाओ या अकेले जाओ, आप जाके मूवी को देख सकते हो। बाकी क्या आप लोग ये फिल्म देख कर आए या फिर नहीं देख कर आए, जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और इसी तरीके से मूवी रिव्यूज़, ट्रेलर रिव्यूज़, टीज़र रिव्यूज़, सीरीज़ रिव्यूज़ अगर आप लोगों को देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके किसी दोस्त को ये चीज़ें देखना पसंद है तो आप उसके साथ ये शेयर करके उसे सब्सक्राइब करवा सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से